हुआ मिलता है तो वो संबंधित थाने में या जो राजस्व अधिकारी है उसको उसकी शिकायत कर सकता है, और शिकायत मिलने के बाद जो उस पर ध्वनि विस्तारक जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जो है वो उसमें कार्रवाई की जाएगी, और बाकायदा जांच के लिए जो उड़नदस्ते बनाए गए हैं उनको भी साफ निर्देशित किया है कि आपके पास अगर शिकायत आती है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको जांच प्रतिवेदन देना होगा, और यदि ऐसा नहीं होता तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो बड़े सख्ती के साथ ये आदेश जारी किए गए हैं कि देखिए जो तमाम तरह के प्रदूषण है लेकिन जो ध्वनि प्रदूषण है उससे कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसकी अनिद्रा हो या फिर दूसरी बीमारियां हैं, उस तरह की बीमारियां होती हैं, उस तरह की बीमारियों को रोकने के लिए मानक जो है वो तय कर दिए गए, और इन मानकों का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ बिल्कुल साइकोलॉजिकली थोड़ी सी जो जीवनचर्या है वो प्रभावित होती ही है, और उस प्रभाव को कम करने के लिए शैलेंद्र ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। और अभी की जो स्थिति है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बनते ही पूरे एक्शन में नजर आए हैं मोहन यादव, और धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर है उन पर बैन नहीं लगाया गया, हालांकि उन पर नियंत्रण की बात उन्होंने जरूर कही है कि 1 डेसिबल तय होगा, बहुत तेज आवाज पर बैन जरूर उन्होंने लगाने की बात कही है उस निर्देश में जिसके बारे में हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया बता रहे थे। मोहन यादव पूरे एक्शन में मंत्रालय पहुंचे, और पहुंचते ही कार्यभार संभालते ही यहां पर उन्होंने पहला निर्देश पहला आदेश पूरी सख्ती के साथ लागू करने के लिए हस्ताक्षर करके अधिकारियों तक पहुंचा दिया, और इसे तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने की बात भी उन्होंने आगे बढ़ा दी है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ये पहला आदेश उनका कि यहां जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन में तेज ध्वनि उनके जीवन को प्रभावित न करे, इसके लिए इस पर एक नियंत्रण रखा जाए और इसके डेसिबल्स तय किए जाएं जिससे कि इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, ये सभी जगहों पर चाहे वो औद्योगिक जगह हो, रिहायशी स्थान हो या फिर व्यावसायिक जगह,